Subscribe and click the bell icon for all the television updates. जीनू को जिस अवतार में हम देखते हैं, जिस जो दुनिया के सामने वो आते हैं, आज आप वो अवतार में नहीं है। आज एक्चुअली जीनू अपने अवतार में है, लेकिन जिन के अवतार जी, लेकिन थोड़ा सा घबराहट है, थोड़ी गुस्सा भी है। मतलब क्या हो रहा है ये सीन में? आप फर्स्ट टाइम शायद अपने भाई के आमने सामने आए। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी दर्शकों को राष्ट्रीय टंडन की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे शो को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। सो बेसिकली जैसा कि अभी आपने देखा, इस सीक्वेंस में एक ज़बरदस्त एक फाइट सीक्वेंस चल रहा है और इसमें हालांकि अब मैं आपको बता दूं इसका खास इस सीन में ऐसा क्या खास है। खास ये है कि अभी तक की जो कहानी आपने देखी कि कोई एक अंगूठी का जिन है, ऐसा कोई दिक्कत आ चुकी है पूरे बगदाद पे और उस दिक्कत का सोल्यूशन ये लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस गुड जिन इज काइंड ऑफ फेसिंग हिज रियल ब्रदर, रियल एल्डर ब्रदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और ये पहली बार उसको देखता है, उसको ये पता है कि अंगूठी का जिन उसका बड़ा भाई है, नाम सुन चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये आज पहली बार उसको 500 साल बाद देखता है। और तब जो कन्फ्रंटेशन है, जो आपस की जो गिले शिकवे थे हमेशा से, वो सारे कहीं ना कहीं उस लड़ाई में आ रहे हैं। और जो जैसे कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, वहाँ पे अलादीन उस समय जबरन फंस रहा है जस्ट बिकॉज वो जो उसका बड़ा भाई है अंगूठी का जिन, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुझे नहीं भाई मान रहे हो जबकि मैं तुम्हारा सगा भाई, और जो तुम्हारा सगा भाई नहीं है उसे तुम भाई मान रहे हो। तो वो उसको बहुत बुरा लगता है, वो उसको कहीं ना कहीं पिंच करता है, हर्ट करता है। और जब क्या कहते हैं, जब वो जाने लगता है हार के, तो एंड में बस वो इतना कह के जाता है, ठीक है मैं जा तो ज़रूर रहा हूँ लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर वापस और मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ये माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और वो तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो इसी दौरान अलादीन शायद तकलीफ करनी पड़े हैं और आप बहुत ही ज्यादा दुखी है इस वक्त और गिरगिराने की भी कोशिश कर रहे हैं शायद अपने भाई के सामने, लेकिन वो है कि कुछ चैलेंज दे रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं कि आप तो इंसानों के बीच इंसानों की तरह हो गए और करेक्ट, ये सब क्या। सो बेसिकली द ब्यूटी ऑफ द सीन इज दैट कि रिश्तों के जो मायने हैं, जो डेफिनेशन है, वो इस पर्टिकुलर सीन से पता चलती है। सगा भाई नहीं है, मतलब सगे भाई जैसी हरकतें नहीं कर रहा है, और जो आप अपने खून का भी नहीं, वो सिर्फ एक दिल से उसने भाई मान लिया और वो आपके लिए लड़ने को, यहाँ तक कि अपनी जान देने को भी तैयार है। ये इस सीन का फलक्रम है, ये बेसिस है। और इस सीन में जो फर्स्ट टाइम रिवलेशन होता है, जो दोनों मिलते हैं, सेकेंडली अलादीन किस लेवल तक जा सकता है अपने भाई को बचाने के लिए जस्ट बिकॉज उसने भाई कह दिया है, उसकी अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी है कि उसकी अम्मी ने उसको कितना कुछ सिखाया है कि आज अगर अम्मी भी इतनी भोली हैं जिन्होंने एक गैर लड़के को, जो सिर्फ अलादीन का एक दोस्त था कह के मिलवाया गया था, उसको अपने घर पे रख लिया, अपना छोटा बेटा मानने लग गई। और अलादीन भी कितना दिल का नेक इंसान है जो एक जिन के लिए, एक जिन से लड़ने जा रहा है जो कि उसकी ताकतों के परे है, लेकिन फिर भी आज वो लड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं अधमरी हालत में आ चुका है। अब आगे वो किस तरह से वो शेख जिनी, यानी कि ये अच्छा जिन, उस बुरे जिन को भगाता है वहाँ से, कैसे क्या करता है, वो तो आपको टेलीकास्ट में देखने को मिलेगा। बट आई एम टेलिंग यू, ये जो इस समय जो सीक्वेंस चल रहा है हमारे शो में, ये बहुत ज़बरदस्त सीक्वेंस है और ये वो सीक्वेंस है कि हर एक एक दर्शक को पसंद आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखें तो उसके बारे में ईमेल या हम लोगों को सोशल मीडिया पे, हमारे सोशल हैंडल्स पे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप जो हमारा शो देखते हैं, राष्ट्रीय टंडन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।